हाय एवरीवन, आई एम सुमन मलिक और आज हम रिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में बताई गई हैं। पार्ट थ्री में हमें पांच रिट दी गई हैं जो कि हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। पाँच रिट हैं हमारी। पहली है हैबियस कॉर्पस, सेकेंड मैंडमस, थर्ड इज़ प्रोहिबिशन, फोर्थ इज़ सर्चरी एंड फिफ्थ इज़ क्वो वारंटो। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है रिट की? रिट एक्चुअली क्या है? ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो इशू करती है या तो जुडिशियल बॉडी करती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करती है, बट एट प्रेजेंटली सिर्फ जुडिशियल बॉडी ही है जो रिट को इशू करती है। ये इसका एक लेमेन टाइप डेफिनेशन है सिर्फ कि रिट क्या होती है। इट्स अ जुडिशियल ऑर्डर, ठीक। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए। आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट या लीगल राइट वॉलेट होता है तो कोर्ट जो है रिट इशू करती है। अब देखिए, आर्टिकल 32 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में फॉल करता है, तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की अगर फंडामेंटल राइट के साथ साथ अगर आपको कोई लीगल राइट या कोई और राइट भी इन्फ्रिंज होता है तो हाई कोर्ट रिट इशू करती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं रिट को इशू करवाने के लिए? सो आंसर इज़ नो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर आप हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास भी डायरेक्ट जा सकते हैं, बट आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों उससे नीचे अथॉरिटी में क्यों नहीं गए। तो अगर कोई वैलिड रीज़न है तो येस, यू कैन गो डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नो, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके, सो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में फॉल करता है और फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स सिटीजन्स के लिए या फिर नॉन सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द राइट्स। फर्स्ट इट है जो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है अ डिमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी वेदर डेड और अलाइव, ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट जो भी है वो डिटेनिंग अथॉरिटी को इशू करती है ऑर्डर की आपने जिस पर्सन को डिटेन किया है या फिर अरेस्ट किया है, कस्टडी में लिया है, उसे आप प्रोड्यूस करें कोर्ट के अंदर और एक अच्छे लीगल ग्राउंड के भी प्रोड्यूस करे। कोज क्या है, रीज़न क्या रहा कि आपने उसे अरेस्ट किया, उस पर्सन को आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करिए। जनरली ये पुलिस अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जाता है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि भी इस पर्सन को जो डिटेन किया है वो इलीगल है या फिर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट तुरंत उसे रिलीज करने के ऑर्डर भी कर सकती है। इलीगल डिटेंशन हमारे आर्टिकल 22 में दिया गया है। इसका एक लैंडमार्क केस है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन रिट्स के और भी लैंडमार्क केसेस हैं, सिर्फ यही नहीं है, बट मुझे जो ज़्यादा लगा कि सही कि भी ये बहुत अच्छा रहेगा वो मैंने मेंशन किया है। आप चाहे तो और भी केसेस ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस इज़ अ कमांड टू एक्ट लॉफुली। अब इशू किसके अगेंस्ट किया जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट होता है, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, या कॉरपोरेशन और अदर इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जाता है, ठीक। ये क्यों इशू किया जाता है? अगर सपोज़ कोई अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट करती है तब कोर्ट जो है ये ऑर्डर इशू करता है कि जिससे वो अथॉरिटी अपने पावर्स में अपने जुरिसडिक्शन के अंदर रह के वर्क करे, उसको बियॉन्ड जाके पावर का यूज़ ना करे, ठीक है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको स्पेसिफिकली उसके आगे एक डिमांड करी हो आपने, उस अथॉरिटी के आगे जाके आपने कोई डिमांड रखी हो जो कि लीगल डिमांड है, और एक स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए उस डिमांड का, तभी तो इन्फ्रिंजमेंट होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने अपनी पावर को यूज़ ही नहीं करा, अगर ऐसा कि आपने अपनी पावर को यूज़ ही नहीं किया तो डिनायल किस तरह से होगा, ठीक। और इसमें सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो रिट इशू करे, किसी और लोअर कोर्ट के पास ये राइट नहीं है। इसके एक बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि अगर पर्सन के पास कोई रेमेडी अंडर सीपीसी है तो पहले उसे उस रेमेडी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं आ सकता है। पहले अपनी जो फर्स्ट कम फर्स्ट रेमेडी है उसको यूज़ करें, फिर उसे कोर्ट के पास जाने का राइट हैगा। और इस तरह के रिट को आप
मिनिस्टीरियल इन नेचर जो होती हैं, सिर्फ उनके ही अगेंस्ट आप इशू कर सकते हैं, ऐसी किसी सबॉर्डिनेट जो बॉडी है उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अथॉरिटी या बॉडी है वो किसी और के अंडर वर्क करती है, किसी और के डिसीजंस के अंडर या रूल्स के अंडर उसे अगर वर्क करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसके अगेंस्ट नहीं लगा सकते. जो उसके ऊपर हायर अथॉरिटी है, जो बॉस है, आप उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. ठीक, इट्स अ मिनिस्टीरियल इन नेचर. ओके, इसका लैंडमार्क केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंदुजा, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स. ठीक, और ये किसके अगेंस्ट नहीं वर्क करते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिट्स में जब आप एक्सप्लेन करते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है आपके पास, लेकिन आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं या उसके ग्राउंड्स क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो किसके अगेंस्ट नहीं वर्क करेगा ये? प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइवेट बॉडीज़ या इंडिविजुअल बॉडीज़ के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकता है. हमारा थर्ड रिट है प्रोहिबिशन. जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चला, इट्स टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड इट्स पावर. ठीक, प्रोहिबिट इज़ द वर्ड फॉर इट्स डेफिनेशन. सो ये हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट इशू करती है. जब कोई कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट जो है, अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके किसी केस को अपने पास एंटरटेन करती है या सबमिट कर लेती है, उस पर वर्क करती है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ऐसे में जो हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिशन वाला रिट यूज़ करता है. ठीक, प्रोहिबिशन का यूज़ करके उस मैटर को अपने पास ट्रांसफ़र करता है, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में होता है तो, और फिर उस पर वो फैसला लेता है. और ये किसके अगेंस्ट होता है? जुडिशियल या कोसाई जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट होता है. जुडिशियल तो ऑफकोर्स कोर्ट हो गया, और कोसाई जुडिशियल क्या होते हैं? जो पार्शली जुडिशियल होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर फोरम हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड हो गया, इन्हें कोसाई जुडिशियल कहते हैं. लेकिन ये लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं वर्क होता है. ठीक, इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं? वही, अगर वो एक्सेस और अब्यूज़ देयर ज्यूरिसडिक्शन, वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट अगर वो वर्क करता है, तो इन ग्राउंड्स पे हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करती है. इसका बेसिकली यूज़ क्यों होता है? कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है उनके आर्बिट्ररी जो यूज़ होता है पावर का, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है बेसिकली. इसका केस है ईशा बीवी वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर. ठीक, अब क्या है, प्रोहिबिशन और जो सर्चुरी जो हमारा नेक्स्ट रेट है उसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिशन जो है वो कोर्ट के डिसाइड होने से पहले इस्तेमाल होता है. अगर लोअर कोर्ट ने मैटर को डिसाइड कर दिया है तो आप सर्चरी रिट लगाएंगे. प्रोसीडिंग चल रही है, अभी मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, डिसीजन आना अगर बाकी है तो आप प्रोहिबिशन में जाइए. मैटर अगर डिसाइड हो गया है तो आप सर्चरी में जाइए, क्योंकि सर्चरी में रिव्यू करने की पावर होती है. और रिव्यू कब होगा? जब मैटर डिसाइड हो जाएगा तब भी रिव्यू होता है. तो ये बहुत सिमिलर है प्रोहिबिशन और सर्चरी, इसके डिफरेंसेस अच्छे से याद रखिएगा. ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा सर्चुरी. सर्चुरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड और टू सीक जुडिशियल रिव्यू. वही हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करती है कि वो मैटर वहाँ उसके पास भेजे. पर्सन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ उस लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो उस डिसीजन का हायर कोर्ट जो है रिव्यू करे, उसके लिए इसको भेजा जाता है. और जब लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को वो मैटर सेंड करता है डिसीजन आने के बाद, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंस या फिर जो भी पेपर्स उसमें यूज हुए हैं, सब के सब वो हायर कोर्ट को सेंड करेगा. ठीक है, किसके अगेंस्ट होता है ये इशू? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पे इशू होता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और देयर ऑफिसर्स के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है. स्टैचुरी बॉडी के अगेंस्ट यूज़ होता है, जैसे कॉरपोरेशंस, नॉन स्टैचुरी बॉडी लाइक कंपनी, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, प्राइवेट बॉडीज़ या फिर पर्सन, इन सब के अगेंस्ट इस रिट को यूज़ किया जाता है. इसका केस है ए कार्यपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सैयद याकूब वर्सेज राधा कृष्णन. और इसके जो ग्राउंड्स सेम है, प्रोहिबिशन और सर्चुरी के ग्राउंड्स ऑलमोस्ट सेम है. और हमारा नेक्स्ट रिट है क्वे वारंटो. जैसे इसका मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और अंडर व्हाट वारंट यू एक्ट इन सच अ वे, मतलब आपने किस हक से इस तरह से एक्ट किया, आप पे कौन सा अधिकार है, आपने मतलब क्या बेस क्या रहा है आपने इस तरह से एक्ट करने का. ठीक है, ये जो है किसके अगेंस्ट इशू होता है? ये ऑफिसर्स क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन.
अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो ऑफिसेज या फिर जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क होता है, जैसे कि एडवोकेट जनरल, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसर्स अंडर म्युनिसिपल एक्ट, मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स और टीचर्स के अगेंस्ट भी ये, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन्हें पावर दी गई है और उन्हीं के थ्रू ये बनाई गई है, ठीक है। लेकिन ये जो कम्प्लीटली प्राइवेट बॉडी होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं वर्क करते हैं, जहाँ पर स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है, कोई एड नहीं है, कोई पावर नहीं है, टोटली जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, मैनेजिंग बॉडीज़ हैं, उनके अगेंस्ट इन्हें वर्क नहीं, मतलब सेंड नहीं कर सकते हैं इशूज़ रिट्स को। तो ये थी हमारी 5 रिट। अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ और पूछना है या फिर कुछ समझ नहीं आता है या फिर कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं वहीं पर आपको इसको आंसर कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।